दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे शाहरुख खान की बादशाहत एकदम कायम रही। पठान ने पहले दिन तोड़े 10 सबसे बड़े रिकॉर्ड, जिसे देख के साउथ के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़े हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड का पठान इज बैक। महज 4 साल के गैप के बाद ऐसा धमाकेदार कमबैक और कोई कर ही नहीं सकता था। शाहरुख खान की फिल्म के रिलीज के पहले दिन ही बॉलीवुड को खत्म मान चुके ट्रोलर्स के होश उड़े हुए हैं कि ये कैसे कमबैक कर सकते हैं। पहले दिन ही पठान ने भारत में लगभग 54 करोड़ की कमाई कर डाली है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी फिल्म ने आते ही धुआंधार ओपनिंग कर डाली हो। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, पठान ने पहले दिन ही बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, जो कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब बॉलीवुड के किंग लंबे समय के बाद पर्दे पे दिखाई दिए हैं, तो ऐसा होना मुमकिन भी है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो कई रिकॉर्ड और टूटने बाकी हैं। पठान ने पहले दिन ही कमाई के साथ साथ और भी कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है। फिल्म ने लगभग भारत के अंदर ही 54 करोड़ की कमाई की है। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 100 करोड़ से भी ऊपर का इसने बिजनेस कर लिया है। तो दोस्तों अब वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं कि पठान ने कौन कौन से ऐसे 10 रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो पहला रिकॉर्ड इसने तोड़ा है कि भारत में अब तक की सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली ये फिल्म पहली बन चुकी है। दूसरा रिकॉर्ड है कि पहले ही बॉक्स ऑफिस पे इसने सबसे ज्यादा कमाई करने का हिंदी फिल्म के अंदर रिकॉर्ड बना लिया है। तीसरा रिकॉर्ड है कि बिना किसी छुट्टी वाले दिन रिलीज होने पे ऐसा ये पहली ऐसी फिल्म हुई है जो कि ओपनिंग डे पे ही सबके रिकॉर्ड कमाई के अंदर तोड़ दी है। चौथा रिकॉर्ड है कि यशराज बैनर तले ये तीसरी फिल्म ऐसी बनी है जिसने पहले दिन ही पे 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। अगर पहली फिल्म की बात करें तो वो वॉर थी, जिसने 53 करोड़ की कमाई की थी। दूसरी फिल्म थी ठग ऑफ हिंदुस्तान, जिसने 52 करोड़ की कमाई की थी पहले दिन पे। और तीसरी अब ये पठान बन चुकी है। और पांचवा रिकॉर्ड तोड़ा है कि ये यशराज के बैनर तले तीसरी फिल्म है जो कि लगातार 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुई है। पहली थी एक था टाइगर, दूसरी थी वॉर, और तीसरा अब इसने भी रिकॉर्ड कायम किया है। छठा रिकॉर्ड तोड़ा है कि पहले दिन ही झंडे गाड़ने वाली शाहरुख खान की करियर की ये पहली हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी है। सातवां रिकॉर्ड ये है कि दीपिका पादुकोण के करियर की पठान ये पहली फिल्म है जिसने ओपनिंग डे पे ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली है। आठवां रिकॉर्ड ये है कि फर्स्ट डे के अंदर जॉनी ब्राह्म के करियर की भी ये पहली फिल्म है जिसने हाईएस्ट ग्रोसिंग का जो रिकॉर्ड है उसने पार किया है 50 करोड़ का कलेक्शन करने में। नवा रिकॉर्ड तोड़ा है कि यशराज फिल्म की पहले दिन भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये पहली फिल्म अब बन चुकी है। दसवां रिकॉर्ड तोड़ा है कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के करियर की ये पहले दिन की कमाई करने वाली फर्स्ट फिल्म है जिसने इतना तवा तोड़ तरीके से अपना रिकॉर्ड कायम किया है कमाई करने पे। इतना ही नहीं दोस्तों, पठान के धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद यशराज फिल्म्स के जो सीईओ है अक्षय धवानी, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक जो दिन होने वाला है, जो कि दुनिया भर में पठान को जो प्यार मिल रहा है, लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं, उसे देखकर मैं उनको नमस्ते करता हूं। छुट्टी वाले दिन ना होने के बावजूद पठान का इस तरीके का रिकॉर्ड तोड़ना मेरे लिए बहुत ही एक सपने के बराबर है। और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि थिएटर के बाद ये कारोबार ऐसा ही बना रहेगा और आने वाले कई दिनों तक। और दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो पठान ने पहले दिन 54 करोड़ का आंकड़े को पार किया है, लेकिन दोस्तों दूसरे दिन 26 जनवरी को हॉलीडे का फायदा पूरी तरह से इस फिल्म को मिलने वाला है। उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई अगले दिन करने वाली है। ऐसे में अगर 2 दिन का काउंट किया जाए तो 100 करोड़ कमाने का एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है इस फिल्म का। इन्हीं सब सारे रिकॉर्डों को देख के साउथ के बड़े बड़े स्टार के होश उड़े हुए कि भाई साहब, इतना बॉयकॉट बॉलीवुड होने के बावजूद भी ये फिल्म इतना तगड़ा कलेक्शन करने में कामयाब कैसे हो सकती है।